लास्ट वीडियो में हमने अपनी HTML कंप्लीट कर ली थी, अब हम इसी पेज की CSS लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है गूगल फॉन्ट्स सोर्स सन्स प्रो यूज़ करना है। तो हम गूगल फॉन्ट्स के अंदर जाके जल्दी से इस फॉन्ट का CDN मतलब जो लिंक पाथ है वो कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स सन्स प्रो और इसके अंदर मैं कस्टमाइज के अंदर जाऊंगी और डिफरेंट वेट्स सेलेक्ट करूंगी ताकि जो बोल्ड टेक्स्ट है वो बोल्ड शो हो। इसको कॉपी करके हम हेड के अंदर पेस्ट कर देंगे। और सिंस ये वाली फॉन्ट फैमिली मुझे सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करनी है तो मैं स्टाइल और CSS के अंदर वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर यूज़ करूँगी और यहाँ पर ये वाली CSS पेस्ट कर दूँगी। इसके अलावा इस पूरे पेज के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ये 100% ब्लैक नहीं है, इसका ये एक ब्लैक का शेड है मतलब ग्रेश सा है थोड़ा सा। और एक UI डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको बता दूं कि यूजुअली वेब पेजेस में कभी भी ब्लैक कलर नहीं यूज़ होता बल्कि ब्लैक का कोई शेड यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैंने कलर कॉपी कर लिया है, इसका कलर कोड है 222। तो यहाँ पे मैं वो कलर कोड दे देती हूँ। सिंस ये कलर मुझे सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई करना है, सारे एलिमेंट्स के फॉन्ट्स पे अप्लाई करना है, तो इसलिए मैं इसको वाइल्ड कार्ड सेलेक्टर के अंदर लिखूँगी। हम अपना पेज रिफ्रेश करके देख लेते हैं और ये स्टाइल्स अप्लाई नहीं हुए क्योंकि मैंने अपनी स्टाइल और CSS लिंक नहीं की। तो यहाँ पर हम ये लिंक कर देते हैं और सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारा फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुका है और यहाँ पे आप देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है, अब ये ब्लैक का एक थोड़ा सा लाइटर शेड है। इसके अलावा हम कुछ और ग्लोबल स्टाइल्स कंप्लीट कर लेते हैं। एक तो इन आइकन्स का स्टाइल है, इनका कलर है गोल्डन, तो मैं यहाँ पे डॉट रेटिंग्स के अंदर जितने भी आइकन्स हैं उसको मैं कलर दे दूँगी ये कलर मैंने पहले से ही कॉपी कर लिया था, आप मॉकअप से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आइकन्स भी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जितने भी एंकर टैग्स हैं जैसे ये रीड मो और ये कैटेगरीज ये जो हेडर वाले ऑप्शंस हैं इसके अंदर जितने भी एंकर टैग्स हैं उसका मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन करना है नन। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने का मतलब ये है कि इसका अंडरलाइन गायब हो जाएगा। और इसके अलावा ये जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसके अंदर से मुझे ये लिस्ट स्टाइल हटाना है मतलब ये बुलेट पॉइंट्स हटाने हैं। और सिंस ये दोनों अनऑर्डर्ड लिस्ट में से मुझे हटाने हैं तो यहाँ पे मैं टैग नेम सेलेक्टर यूज़ करूँगी, लिस्ट स्टाइल नन। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ से भी और यहाँ से भी बुलेट पॉइंट्स हट चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम हेडर को स्टाइल करना शुरू करेंगे।